प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मामला हत्या या फिर आत्महत्या में उलझता दिखा, लेकिन एबीपी गंगा ने शुरुआत से ही इस मामले की हर थ्योरी को आपके सामने रखा, जिसमें मृतक के परिजनों का आरोप भी शामिल था। उन्होंने ससुराल वालों पर साजिश रचने का आरोप लगाया। अब इस केस में नामजद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रयागराज में एक ही परिवार की सामूहिक मौत की गुत्थी अब धीरे धीरे सुलझने लगी। नवाबगंज के खागलपुर गांव में पति पत्नी और 2 बच्चियों के शव बरामद किए गए थे। परिजनों ने आरोप ससुराल वालों पर लगाया। अब इस मामले में पुलिस ने नामजद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया। इस बीच गाजीपुर भी एक ऐसे ही मामले से दहल उठी, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत इलाके में फैली तो हड़कंप मच गई। फिलहाल अनुमान ये लगाया जा रहा कि परिवार के मुखिया ने सबकी हत्या की और खुद आत्महत्या कर ली। इस मामले का पूरा सच जल्द ही सामने आएगा, लेकिन जिस तरह बीते कुछ दिनों में सामूहिक मौत के मामले आए, उससे प्रयागराज से गाजीपुर तक सनसनी फैल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।